हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। 5 सितंबर की हम बुलेटिन देखने वाले हैं सुबह से शाम तक की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 ये बुलेटिन रहेंगी और आज सुबह से दिन भर में जो भी देश में विदेश में जो भी घटनाक्रम हुआ होगा वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सितंबर से मैंने स्टार्ट किया, 1 से 4 सितंबर को आपको सितंबर 2021 करंट प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक क्लोजिंग सेरेमनी में तिरंगा किसने थामा? तो टोक्यो पैरालंपिक का क्लोजिंग सेरेमनी क्लोज हो चुका है, क्लोजिंग सेरेमनी चल रही है, उसके लिए तिरंगा किसने थामा है? गोल्डन गन अवनी लेखरा ने। हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन सी बीमारी देखी जा रही है? तो मध्य प्रदेश में हाल ही में एक बीमारी देखी जा रही है, स्क्रब टाइफस, जिसमें थर्ड लग के बुखार आता है, शरीर पे चिकते पड़ जाते हैं। तो ये कोविड के बाद ऑफ ब्लैक फंगस के बाद ये बीमारी काफ़ी फैली जा रही है हमारे मध्य प्रदेश में। कृष्णा नागर ने पैरालंपिक टोक्यो में हाल ही में कौन सा मेडल जीता? तो कृष्णा नागर ने पैरालंपिक टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता है और ये कृष्णा नागर बैडमिंटन से संबंधित है। नोएडा के डीएम सुहास यथीराज ने कौन सा मेडल जीता? और नोएडा के डीएम सुहास यथीराज ने सिल्वर मेडल जीता। कौन सा जीता? सिल्वर मेडल, और इन्होंने भी बैडमिंटन में जीता। तो सुहास यथीराज और कृष्णा नागर दोनों बैडमिंटन से संबंधित हैं, ये याद रखिएगा। द मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन से बने हैं? क्या बोल रहे हैं? द मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे की हाल ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की श्रेणी में बन गए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। 70% के साथ वोटिंग के साथ इनको प्रथम स्थान पर मिला है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ये बन गए, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति 5वें नंबर पर हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से हिमाचल के कमल किशोर को सम्मानित किया गया। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में किसको नवाजा गया? हिमाचल के कमल किशोर को। हाल ही में कोरियन कंपनी हुंडई ने किसके साथ एयरक्राफ्ट बनाने के लिए समझौता किया? तो कोरियन कंपनी हुंडई ब्रिटिश कंपनी बैबकॉक के साथ समझौता किया। तो जो कोरियाई कंपनी है वो ब्रिटिश कंपनी की, जो ब्रिटिश का जो एयरक्राफ्ट है एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट की तरह एक एयरक्राफ्ट बनाएगा, तो साउथ कोरिया को ब्रिटेन जैसा एयरक्राफ्ट कोरियन मिलेगा। ई रिसीप्ट मॉडल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? ई रिसीप्ट मॉडल उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया। किसने किया? उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु किसने घोषित किया? हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया लद्दाख ने। किसने? लद्दाख, जो कि नया बना हुआ केंद्र शासित प्रदेश है, और उसने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया। मोदी जी ने स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? तो मोदी जी ने स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर किसने विकसित किया? प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया चीन ने। किसने? चीन ने। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता एलेजांड्रो प्रीतो ने। किसने? एलेजांड्रो प्रीतो ने। इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का ट्रायल किसने शुरू किया? इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का ट्रायल नासा ने लॉन्च किया। मतलब आपसे ये भी पूछ सकते हैं, हवाई कार की टेस्टिंग किसने शुरू की है या इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का ट्रायल किसने शुरू किया है? तो नासा ने किया है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है ये, और ये जो है 2024 तक ये जो सुविधा है आम जनों को भी उपलब्ध हो सकेगी। सो ये थे हमारे आज के सुपरहिट क्वेश्चन करंट के। ऐसे ही अगले क्वेश्चन के लिए कल फिर मिलिएगा। चैनल को वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।